चलो गायत्री मंत्र देखो। हाँ बाद में, पहले गायत्री मंत्र बोल दो प्लीज। मैंने जैसे जैसे इसकी ग्रोथ देखी तो मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियल है, तो मेरे को पता चला था कि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स करके एक है जहाँ पे ऐसे बच्चों को टैलेंट को वो करते हैं कंसिडर, तो मैंने उनको वो फिल करके फॉर्म भरा था। उसके बाद मुझे पता चला, फिर मैंने उनको बोला कि ये चीज़ें मेरी बेटी करती है, तो उन्होंने वहाँ पे फिर वो कंसिडर किया था। क्या किया था बेटी ने आपके? मेरी बेटी ने एक तो बहुत ही छोटी उम्र में गायत्री मंत्र सबसे पहले सीखा था, जिसके बेसिस पे मैंने उनका वो फॉर्म भरा था, और ऊपर से ये पढ़ने में मतलब जल्दी ग्रास्प कर लेती है सब कुछ, तो उस वगैरह पे मैं इसको घर में पढ़ाती रहती हूँ। तो वो सारी चीज़ें, जैसे इसको बॉडी पार्ट्स बहुत जल्दी लर्न कर लिए थे इसने अपने, अल्फाबेट्स की आइडेंटिफिकेशन है इसे अभी इस एज में, शेप्स बता देती है सब कुछ, मतलब इसको मैं जो बोलूँ करने के लिए सब कुछ करके देती है। क्या प्राइस मिला है? सर इसको एक एप्रिसिएशन मिला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से कि इसने इस एज में ये सारी चीजें अभी तक कवर कर ली हैं। तो कितनी एज रही थी तब बच्ची की? जब मैंने इसको फिल करा था तो इसकी एज 22 महीने की थी, और अभी अभी ये 24 फरवरी को 2 साल की हो जाएगी। मेरा नाम अभय बहेल है और मैं धर्मशाला का स्थायी निवासी हूँ। प्रोफेशन से मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है और राभ्या मेरी बेटी है। तो किस तरह देखते हैं जब ये अवार्ड भी आपके पास आया है? और काफ़ी अच्छा महसूस किया, गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे लिए क्या हमारे परिवार के लिए एक गर्व की बात है ये कि भाई इतनी छोटी सी उम्र में इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। अभी तो हिमाचल की तो पहली बच्ची होगी जी, मैं इसके बारे में श्योर नहीं कह सकता, पर जितनी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है उसमें तो पहली दिख रही है अभी तक। तो कैसे लगा, क्योंकि जिस तरह आपकी वाइफ ने कहा कि शुरुआत से ही पता लग गया था कि बच्ची में इस तरह के स्किल्स हैं, तो किस तरह? हाँ, मच ऑफ द टाइम मेरी वाइफ ने इसको ब्रॉट अप किया हुआ है क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ, तो उसको लगा कि भी इसमें है पोटेंशियल, तो जब भी मेरे को टाइम मिला मैंने उसकी हेल्प की कि भाई हाँ ये कुछ कर ले ढंग से, तो सब कुछ पेरेंट्स की और वाइफ के कारण। Not much of my share. मेरे को तो बहुत खुशी हुई है क्योंकि मतलब इतनी छोटी सी उम्र में मैंने किसी बच्ची को अपने फैमिली में भी नहीं देखा, और मेरे तो थे ही बेटे ना तीनों, तो हमारे लिए तो ये ऐसे बोलो कि एक गॉड गिफ्टेड लक्ष्मी है हमारे घर के लिए ना, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा जब इसको ये चीज़ मिली। और इसने मतलब जब अवेल किया तभी मेरे को बोला कि मम्मी मैंने इसको उसमें क्या कहते हैं कंपटीशन में भेज तो दिया है लेकिन अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब आया इसने बोला कि मम्मी इसने मतलब मिल गया इसको प्राइस, में बहुत खुशी हुई थी। इंडिया की तो पहली बेटी है ये, तो अब आपको पता होगा सबको, लेकिन गायत्री मंत्र बोलती है अब लेकिन बहुत जल्दी बोलती है। तो आपका पूरा नाम? मेरा सविता बहर। तो जब घर पे एक्टिविटीज होती है तो एक्टिविटीज में काफी आपके जिस तरह बता रहे हैं सब कुछ इसको पता है, तो आपकी मदद भी कर देती होगी क्योंकि अभी तो? हाँ, करती है करती है, जैसे इसको बोलो चम्मच दे या ग्लास दे दो पानी दे या, तू जाके तो सब कुछ कर लेती है ये। हम रोटी बनाने लगते हैं तो अपना एक बेलना इसने अलग रखा होता है, बोलेगी मेरे को थोड़ा सा आटा दो, मतलब बेलना भी शुरू हो जाएगी स्टूल लेके ना, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब खैर मेरी तो बेटी थी नहीं लेकिन मैंने इसमें देखा कि इसमें बहुत क्वालिटीज़ हैं, और मतलब मोर ओवर मेरी डॉटर इन लॉ का बहुत हाथ है उसको पालने में ना। ठीक है,